जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो है राजस्थान हेडमास्टर की रिजल्ट से संबंधित। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों खबर पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अगर क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं टीचर से संबंधित ऑल इंडिया में, जब भी कोई जॉब आता है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वो क्या है न्यूज और कब आ रहा आपका रिजल्ट और कब तक मिल जाएगी आपको ज्वाइनिंग। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हाँ जी दोस्तों, ये है वो न्यूज, आरपीसी की तैयारी, प्रदेश के सरकारी स्कूल को जल्द मिल सकते हैं 1200 हेडमास्टर। हाँ दोस्तों, यह है अजमेर का न्यूज है दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जल्द ही 1200 प्रधानाध्यापक मिल सकते हैं। इन पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्दी ही जारी होने की संभावना है। आयोग इस परिणाम की तैयारी में जुटा हुआ है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस परिणाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। आयोग विभिन्न सेक्शन से इस परिणाम का संबंधित विवरण मंगा रहा है। आयोग द्वारा हेडमास्टर के 1200 पदों के लिए 2 सितंबर 2018 को भर्ती का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 97,000 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। आयोग द्वारा 15 अक्टूबर तक आंसर की पर आपत्ति भी मांग ली गई थी। इसके बावजूद अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का परिणाम का इंतजार करते हुए लंबा समय हो चुका है। इस दिन सबसे पहले प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए अभ्यर्थियों ने आयोग सचिव पीसी बेरवाल को ज्ञापन भी सौंपा था और उन्होंने मांग की थी कि आयोग जल्द ही जल्द जल्द से जल्द परिणाम जारी करे। संघर्ष समिति के धनालाल ने बताया कि मार्च से पहले उन्हें नियुक्ति मिल जाए तो उनका एक इंक्रीमेंट बच जाएगा। आयोग सूत्रों के मुताबिक अभ्यर्थियों द्वारा दी गई सांकेतिक धरने के बाद आयोग प्रशासन हरकत में है और परिणाम तैयारी में जुट गया। हाँ जी दोस्तों, इसका रिजल्ट आप जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्यों अभी हर स्कूल का मांग रहा है कि कितने हेडमास्टर की रिक्त पद है और कहाँ पे किसको पदोन्नति देनी है। इसमें आयोग जुट चुका है दोस्तों, रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। इस महीने या फरवरी के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में क्योंकि नई सरकार बनी है दोस्तों, नियुक्ति भी बहुत जल्दी मिलने के आसार है। हाँ जी दोस्तों, अगर ऐसी न्यूज़ आप हमारे चैनल पे पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको भी फायदा हो सके और आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।